हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल राधे राधे तो आज हम एक अनाजी के ड्रेस के लिए चोली बनाएंगे पाँच नंबर की देखिए ये ड्रेस के लिए हम चोली बनाएंगे तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं ये पाँच नंबर की ड्रेस है हम चोली भी पाँच नंबर की ही बनाएंगे और मैंने चौदह नंबर का क्रोशिया लिया है और इस येलो कलर में हम बनाएंगे तो इस तरह से एक लूप ले करके हमें सतारा चैन बनानी है सेवेंटीन एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह तो ये हमारी सेवेंटीन चेन हो गई अब हमें तीन चैन और लेनी है एक दो और तीन अब हमें चौथी चैन में जा करके डबल क्रोशिया लेना है इस तरह से हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे तो ये हमारे अठारह हो जाएंगे सतारह हमारे चैन थी और एक हमारी तीन की चेन तो वो मिलाकर हमारे अठारह बार हो जाएंगे डबल क्रोशे तो देखिए मैंने ये अठारह बार डबल क्रोशिया बना लिए है एक हमारी तीन की चेन मिलाकर अठारह बार होंगे सतारह बार हमारा डबल क्रोशिया है तो इस तरह से एक दो और तीन तीन चेन लेकर के टर्न लेंगे और जस्ट इसी के नीचे नहीं बनाएंगे नेक्स्ट वाले चैन में दो बार बनाएंगे एक और दो इस तरह से अब हमें हर एक चेन में दो दो बार बनाना है सिर्फ पहली वाली और लास्ट वाली दोनों में ही एक एक बार बनाना है बाकी के हर एक चेन में हमें दो दो बार बनानी है डबल क्रोशे तो इस तरह से बनाते जाइए एक ही चैन में दो बार इस तरह से तो देखिए हमारा दूसरा राउंड भी पूरा हो गया है और लास्ट में मैंने एक बार बना लिया है और एक में दो दो बार और पहले फर्स्ट वाले में एक बार तो इस तरह से हमारे थर्टी फोर डबल क्रोशे हो गए चौंतीस डबल क्रोशे हो गए अब हमें फिर से तीन चेन लेकर के टर्न लेना है इस तरह से और जस्ट इसी के नीचे नहीं बनाना है सेकेंड वाली में अगली बार हमने जो बनाया था इस तरह से सेकेंड वाली में दो बार बनाना है और अब हमें और फोर्थ चेन में डबल क्रोशिया बढ़ाना है एक चेन में दो बार बनाना है पहले तीन हमको इस तरह से ले लेना है देखिए इसमें मैंने दो बनाए फिर एक दो और तीन एक एक चेन में एक एक बनाए अब फोर्थ में हमें दो बार बनाना है तो इसी तरह से अब हम ये राउंड पूरा करेंगे एक बार सिर्फ हमें थर्टी चैन में बढ़ाना है तीसरी चेन में बढ़ा लेना है और ये जो हम फोर्थ चेन में बढ़ा रहे हैं उस तरह से एक बार हमें दो डबल क्रोशे ले करके जो तीसरी वाली चेन आती है इसमें दो बार बना लेना है क्योंकि हमें तीसरे राउंड में तैतालीस डबल क्रोशे चाहिए फोर्टी थ्री इसलिए एक बार हमें दो छोड़कर तीसरी वाली में बढ़ा लेना है बाकी सब में तीन छोड़कर चौथी तो वाली में तो इस तरह से राउंड भी बना लीजिए तो देखिए मैंने तीसरा राउंड भी पूरा कर लिया है और इसमें एक पहला हमने तीन चेन बनाई थी वो एक ही है फिर एक में दो बनाए फिर एक दो तीन एक एक फिर चौथी में दो इस तरह से तीन और दो फिर तीन फिर दो फिर हमने एक आ, देखे इस बार पहले एक बनाए फिर दूसरा बनाए फिर तीसरी वाले में दो बना दिए एक बार हमको हम दो छोड़कर तीसरी वाले में बढ़ाना है बाकी सब में तीन ले करके चौथी में ही बैठाया है देखिए एक दो तीन और चौथी में इसी तरह से हमको लास्ट से जो आगे वाली थी इसमें दो आए हैं और यहाँ पर एक जैसे हमने पहले शुरू किया था वहां पर भी ऐसा ही था एक और इसके बाद दो तो ये हमारे अब फोर्टी थ्री डबल क्रोशे हो गए हैं अब हमें इसे तीन चेन लेकर के टर्न लेना है दो और तीन अब फिर से हमें सेकेंड इसे सेकेंड सैन होती है इसमें लेना है जस्ट इसी के नीचे नहीं लेना है तो सेकेंड वाली सैन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे पांच बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक हमारे तीन की चेन होगी तो ये छह बार हो जाएगी चार पांच और ये तो देखिए एक हमारे तीन की चेन और पांच बार डबल पुरुषी तो अब हम इस बाजू वाला जो होल होता है वो छोड़ेंगे यहाँ पर तो इस तरह से आप काना जी को पहनाते हैं तब आपको ये चोली टाइट आती है पहनाने में कोई दिक्कत होती है तो आप यहाँ पर बीच में एक चेन ले सकते हैं इसी जगह आप जब पहुंचे आपका छह बार डबल क्रोशा हो जाए इसके बाद आप एक चेन ले लीजिए तो काना जी को टाइट नहीं आएगी और जिन लोगों को पहनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है वो बिना चेन के ही इसे ही बना ले और इस तरह से नौ बार डबल क्रोशिया छोड़कर दसवीं में टेंथ में हमको ले लेना है नौ बार हमको यहाँ पर छोड़ना है इस होल के लिए जो हमारे बाजू वाला साइड का होल होता है इसके लिए तो यहाँ पर आपको पहनाने में दिक्कत आती है तो यहाँ पर एक चेन ले सकते हैं, दो चेन ले सकते हैं, जितनी भी आप चाहे इतनी चेन बीच में ले सकते हैं। अब हमें एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस दसवीं में जा करके डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से तो अब हम यहाँ पर तेरह बार डबल क्रोशिया करेंगे तो ये हमारे तेरह बार डबल क्रोशे हो गए इसके बाद हम यहाँ पर जो आगे आपने चेन ली हो तो यहाँ पर ले लेनी है दोनों होल में सेम ही बनाना है मैंने चेन नहीं ली है लेकिन आपको चोली पहनाने में दिक्कत हो तो ही बीच में चेन ले लीजिएगा अब हमें फिर से यहाँ पर नौ छोड़कर दसवीं में लेना है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ और दस इस तरह से दसवीं चेन में लेकर के फिर से यहाँ पर छ बार डबल क्रोशे बना लीजिए तो देखिए यहाँ पर मैंने छह बार डबल क्रोशिया बना लिए अब फिर से तीन चेन लेकर के टर्न लेना है इस तरह से और अब ये हमारे तेरह पीछे वाले में और छह इस तरफ और छह इस तरफ तो बारह ये हो गए तेरह ये हो गए तो ये हमारा लास्ट जब हमारा चौथा राउंड था तो इसमें हमारे पास पच्चीस डबल क्रोशिया गए हैं तो पच्चीस के ऊपर पच्चीस बार डबल क्रोशिया अब हम ये चौथे राउंड में बनाएंगे सॉरी चौथा नहीं ये हमारा पांचवा राउंड है एक दो तीन चार और पांच ये हमारा पांचवा राउंड है तो इस तरह से पच्चीस के ऊपर पच्चीस आप एक बार बना लीजिए और अगर आप इस तरह से यहाँ पर जो आपने चेन ली होती है बीच में देखिए मैंने इन चोली जो मैंने बनाई थी चोली तो इसमें मैंने चेन ली है तो इसके बीच में आपको जब इस होल के पास आप इस तरह से डबल क्रोशिया लेते यहाँ तक पहुँचे तब इसके बीच में इस होल के अंदर एक चेन ली होती है तो एक बार डबल क्रोशिया बना लेना है और ये होल में दो चेन आपने बनाई है तो दो बार डबल क्रोशिया इस होल में बना देना है यहाँ पर तो यहाँ पर मैंने कोई चेन नहीं बनाई है इसलिए मैं जितने हमारे पच्चीस बार डबल क्रोशिया हमारे हैं तो मैं पच्चीस के ऊपर पच्चीस ही बनाऊंगी इस तरह से हर एक चेन में एक एक बार बनाते जाइए तो ये अब हमारा पांच बार राउंड भी पूरा हो गया है और पच्चीस के ऊपर हमने पच्चीस बार डबल क्रोशे बना लिए है तो चोली के लास्ट में हमारे पास पच्चीस बार डबल क्रोशे है तो इस तरह से आप ये पांच राउंड पूरे हो जाए इसके बाद आप एक हाफ डबल क्रोशे की रो बना लीजिए या तो आपको ऐसा लगता है कि हाफ डबल क्रोशे की बनाएंगे तो चोली बहुत बड़ी हो जाएगी तो सिंगल क्रोशे से बना लीजिए क्योंकि इन ये जब हम घेरा बनाते हैं तब कहीं लोग ऐसा कहते हैं कि घेरा इस तरह से सीधा इस तरफ मूड क्यों नहीं जाता है बीच बीच में झोल क्यों आता है इस तरह से क्यों नहीं रहता है एक जैसा देखिए इस तरह से गोलाई जैसी इस घेरे की जो है वैसे क्यों नहीं रहता है तो यहाँ पर आप चोली के एंड में एक या तो सिंगल क्रोशे की या तो हाफ डबल क्रोशे की एक रो चोली के एंड में बना लीजिए तो इस तरह से इसका घेरा बहुत ठीक से आएगा देखिए इस तरह से आप रखोगे ड्रेस तो इस तरह से घेरा आसानी से रह जाएगा और काना काना जी को जब आप पहनाओगे तब भी इसी तरह से ठीक ही रहेगा तो इस तरह से हम एक और दो मैं यहाँ पर हाफ डबल क्रोशे की रो बनाने वाली हूँ इसलिए मैंने दो चेन ली अगर आपको सिंगल क्रोशे की रो बनानी है तो आप एक चेन लेकर के टर्न ले, ले लीजिए और अब हर एक चेन में एक एक बार हाफ डबल क्रोशा और हाफ डबल क्रोशा किसे कहते हैं इसे तीनों लूप एक साथ निकाल देते हैं इसे हाफ डबल क्रोशिया कहते इस तरह से तो एक एक चेन में हर एक बार पच्चीस के ऊपर पच्चीस ऐसे हाफ डबल क्रोशिया बना ली तो देखिए मैंने हाफ डबल क्रोशिया की रो भी पूरी कर ली है अब हमें चोली को ज्वाइंट करना है तो इस तरह से ये उल्टा उल्टी साइड हमारी आती है लेकिन फिर भी यहाँ पर इस तरह से चोली को उल्टी साइड जाने दीजिए बाजू वाला भाग जो हमारा होता है वो सामने वाली साइड जाने दीजिए और यहाँ पर आखिरी वाली चेन में जा करके इस तरह से धागा लेके आइए और यहां पर ही स्लिप टीच बना लीजिए और इस तरह से चोली को टर्न ले लीजिए तो धागा हमारा ये है ये उस तरफ हो जाएगा और इस तरह से थोड़ा सा टिच लंबा खींच ले और इसके बाद स्लिप टीच बनाते जाए जब हम घेरा बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहां पर से स्टार्ट करते हैं यहाँ तक ये यह जो हमारी बाजू होती है इनके बीच वाले भाग में साइड में ले आते हैं इसलिए हम स्लिप टीच के थ्रू वहाँ पर चले जाएंगे इस तरह से और स्लिप टीच जब करे तब थोड़ा सा धागा ढीला ही छोड़ दे क्योंकि टाइट होगा तो इसमें अगली बार जब हम क्रोशिया करेंगे तब हमारा क्रोशिया चलेगा नहीं ठीक से इस तरह से तो स्लिप टीच हमेशा थोड़ा सा ढीला हाथ रख कर ही कीजिए तो इस तरह से हमारी चोली बनकर रेडी हो गई है अब हमें इसके ऊपर इन दोनों बाजू और इस गले की जगह पर और आगे इस तरह से हम किनारी बनाएंगे इस तरह से मैंने पेरोट धागे में नोट लगा ली है अब यहाँ पर जो हमारा पहला वाला डबल क्रोशिया है इसको उठा लेंगे और इस तरह से धागा स्टार्ट कर लेंगे और यहाँ पर एक ही होल में हमें दो बार सिंगल क्रोशिया बनाना है अब हमें दूसरे होल में दो बार बनाना है इस तरह से हर एक वॉल में दो दो बार बनाना है इस तरह से और सिंगल क्रोशकते लूप लिया और इस तरह से दोनों को एक साथ निकाल दिया फिर से लूप लेकर आए और दोनों में से एक कर दिया इसे सिंगल क्रोशा कहते हैं जो अब हमारा आखिरी डबल क्रोशा है इस कॉर्नर पर हम आ गए हैं तो यहाँ पर दो बार हमने बना लिया फिर हम दो चेन लेंगे और इसी जगह पर फिर से दो बार डबल क्रोशा बनाएंगे तो इस वाले डबल क्रोशे जो हमारा लास्ट वाला होता है इसमें हम चार बार बनाएंगे दो बार बना करके दो बार चेन लेंगे और फिर से दो बार सिंगल क्रोशा बनाएंगे अब हमें दो बार डबल क्रोशा छोड़ देना है एक और दो दो छोड़कर तीसरा वाला जो होल होता है इसका दोनों के बीच वाला इसमें जाकर करके दो बार सिंगल क्रोशे बनाना है इस तरह से एक बार दो दो छोड़ने हैं और इसके बाद तीसरे वाले में इस तरह से बना लेना है देखिए इस तरह से दो छोड़ने के बाद तीसरे ओवल में बनाते जाना है तो आप इस तरह से पूरा गला बना लीजिए अब मैं आखिरी वाले डबल क्रोशे में आ गई हूं तो इस तरह से एक बार बनाया दो बार फिर दो चेन और इसी होल में फिर से दो बार देखिए इस तरह से अब हमें फिर से हर एक में दो दो बार ही बनाना है जैसे हमने आगे बनाया है इस तरह से तो अभी हमारा पूरा हो गया इसके बाद धागा खींच के काट लीजिए इस तरह से और अब हम ये बाजू बनाएंगे तो यहाँ पर धागे को नोट लगा लीजिए और यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस तरह से ये जो हमारा ये हमने डबल क्रोशिया बनाना इस तरह से वो जो बाजू वाली हमने जो होल छोड़ी थी उसके बाद हमने जो ये छह डबल क्रोशिया बनाए थे उसका जो आखिरी वाला डबल क्रोशिया होता है यहाँ पर जा करके क्रोशिया डाल देंगे और इस तरह से नोट लगा देंगे तो एक बार हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया अब हमें हर एक डबल क्रोशिया के बीच में एक एक बार डबल क्रोशिया सॉरी सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से और एक डबल क्रोशिया के बीच में जो होल होता है इस तरह से चेन में नहीं लेना है हमें पूरे होल में लेके जाना है इस तरह से देखिए यहाँ पर डाला और इस तरह से निकाला यहाँ पर सिर्फ ऊपर वाली चेन नहीं लेनी है यहां अंदर तक क्रोशिया जाने देना है इस तरह से देखिए इस तरह से ये पूरा हो गया तो ये हमारा बाजू एक साइड का हो गया देखिए इस तरह से आ जाएंगे और ये सारे धागे जो है वो एक्स्ट्रा धागे काट लेंगे हम और ये जो हमने जब हमें हमारा ये एंड आ गया वहाँ का जो धागा है ये तो इन सबको अंदर ले जा करके इसकी नोट लगा देंगे तो इस तरह से ये जो बाजू बनाई इसी तरह से ये वाली भी बना लीजिए तो ये चोली हमारी पूरी हो गई है मैंने नोट भी लगा दी है तीनों धागों की तो ये हमारी चोली पूरी हुई इसके एंड में हमारे पास पच्चीस डबल क्रोशे है ट्वेंटी फाइव और इस, 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 ये जो मैंने चोली बनाई है इसमें मैंने आपको बताया था कि आपको चोली पहनाने में कोई दिक्कत आती है तो आप यहाँ पर एक चैन ले लीजिए हॉल में तो इसके ऊपर आपका एक डबल क्रोश आएगा तो ये चोली भी थोड़ी बड़ी बन जाएगी और पहनाने में आपको दिक्कत भी नहीं रहेगी तो इसमें ये हमारे जो चोली है हमारी इसमें हमारा पच्चीस बार डबल क्रोशे आए है तो ये भी मैंने सत्रह सेन के साथ ही स्टार्ट किया है लेकिन इसमें हमारे सताइस डबल क्रोशे आए है दो हमारे ज्यादा आए हैं क्योंकि इस तरह से एक एक होल में हमने एक एक बार डबल क्रोशे बनाए हैं यहाँ पर तो ये हमारे ट्वेंटी सेवन आए हैं और ये थोड़ी बड़ी भी बनती है इससे तो आपको जो ठीक लगे वो आप बना लीजिए तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले वीडियो देखने के लिए थैंक यू